अब तक तो जाहिर है आप लोगों ने ये जो बयान दिए हैं और मुसलसल आप लोग ये बात तो कर रहे हैं कि जी सबसे ज़्यादा बात करने को तैयार हैं, पीटीआई के साथ भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जी एतमाद साजी बड़ी अहम है, अमली इकदाम तो कुछ करके दिखाइए। जो बात सुने तो पीटीआई की हुकूमत थी 4 साल तकरीबन रही, तो पाकिस्तान के अंदर बाकी जो दीगर सियासतदान थे जिसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ढूंढ के नहीं दीगर जमातों के भी थे, सब लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें राना सनाउल्लाह थे, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, मरियम फसी, शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा शहबाज थे, ख्वाजा साद रफीक थे, जावेद खतीब थे, बहुत सियासतदान थे। तो ये तो किसी सियासी जमात के साथ नहीं रखी थी कि पहले हमारे लोगों को रिहा करें फिर हम बात करेंगे। बात की एक रिहाई जो सब लोगों की हुई, अदालतों से हुई, अपने टाइम पे हुई, उनके केसेस चले, 100 से ज्यादा पेशियां नवाज शरीफ साहब ने लगातार भुगती। लंदन से वो आए तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के फिर गिरफ्तारी दी। कानून का सामना क्या, ये आइन और कानून का जो मामला है वो दीगर सियासी जमातें कैसे हल कर सकती हैं? अदालतें जब उन्हें रिहा करेंगी उनका हुक्म देगी, कानून के मुताबिक केस तो चल रहे हैं, तो जब अदालतें उन्हें रिहा करेंगी वो रिहा हो जाएंगे। किसी भी सियासी जमात के हाथ में ये जमानत नहीं है कि वो फलां सियासतदान को रिहा कर देगा, फलां को जेल से निकाल देगा, यहाँ से ये कर देगा। हम तो ये बात कर ही नहीं सकते, हम बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की।